राजा अम्बरीश की गाई हुई गाथा और ब्राह्मण जनक संवाद का वर्णन। ब्राह्मण ने कहा, देवी, संसार में सत्व, रज और तम ये तीन मेरे शत्रु हैं। ये गुणों के भेद से नौ प्रकार के माने गए हैं। हर्ष, प्रीति और आनंद ये तीन सात्विक गुण हैं। तृष्णा, क्रोध और अभिनिवेश ये तीन राजस गुण हैं। और श्रम, तंद्रा तथा मोह ये तीन तामस गुण हैं। शांत चित्त, जितेंद्रिय, आलस्यहीन और धैर्यवान पुरुष शमदम आदि बाण समूहों के द्वारा इन पूर्वोक्त गुणों का उच्छेद करके दूसरों को जीतने का उत्साह करते हैं। इस विषय में पूर्व काल की बातों के जानकार लोग एक गाथा सुनाया करते हैं। पहले कभी शांति परायण महाराज अम्बरीश ने इस गाथा का गान किया था। जब दोषों का बल बढ़ रहा था और अच्छे गुण दबने लगे, उस समय महायशस्वी महाराज अम्बरीश ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने अपने दोषों को दबाया और उत्तम गुणों का आदर किया। इससे उन्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने यह गाथा गाई, मैंने बहुत से दोषों पर विजय पाई और समस्त शत्रुओं का नाश कर डाला, किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है। यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य है, तो भी अब तक मैं उसका नाश न कर सका। उसके वश में पड़ा हुआ मनुष्य नीच कर्मों की ओर दौड़ता है और उसे अपनी अवस्था का भान नहीं होता। उस दोष का नाम है लोभ। उसे ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। लोभ से तृष्णा और तृष्णा से चिंता पैदा होती है। लोभी मनुष्य पहले राजस गुणों को पाता है और उनकी प्राप्ति हो जाने पर उसमें तामसिक गुण भी आ जाते हैं। उन गुणों के द्वारा देह बंधन में जकड़कर वह बारंबार जन्म लेता और तरह-तरह के कर्म करता रहता है और देह के तत्व विलग-विलग होकर बिखर जाते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फिर जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ता है। इसलिए इस लोभ के स्वरूप को अच्छी तरह समझकर इसे धैर्य पूर्वक दबाने और आत्म राज्य पर अधिकार पाने की इच्छा करनी चाहिए। यही वास्तविक राज्य है। यहां दूसरा कोई राज्य नहीं है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वही राजा है। इस प्रकार यशस्वी राजा अम्बरीश ने आत्म राज्य को आगे रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु लोभ का उच्छेद करते हुए उपयुक्त गाथा का गान किया था। ब्राह्मण ने कहा, देवी, इसी प्रसंग में एक ब्राह्मण और राजा जनक के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय राजा जनक ने किसी अपराध में पकड़े हुए ब्राह्मण को दंड देते हुए कहा, ब्राह्मण, आप मेरे राज्य से बाहर चले जाइए। यह सुनकर ब्राह्मण ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, बताइए आपके अधिकार में कितना राज्य है? इस बात को जानकर मैं शास्त्र के अनुसार आपकी आज्ञा पालन करने की दूसरे राजा के राज्य में निवास करने की चेष्टा करूंगा। उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा जनक बार-बार गरम उच्छ्वास लेने लगे, कुछ जवाब न दे सके। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण, यद्यपि बाप दादों के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर मेरा अधिकार है, तथापि जब मैं विचार दृष्टि से देखता हूँ, तो सारी पृथ्वी में खोजने पर भी कहीं मुझे अपना राज्य नहीं दिखाई देता। जब पृथ्वी पर अपने राज्य का पता न पा सका, तो मैंने मिथिला में खोज की। जब वहाँ से निराशा हुई, तो अपनी प्रजा पर अपने अधिकार का पता लगाया। अंततगत्वा मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है, अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टि से यह शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी दृष्टि से सारी पृथ्वी ही मेरी है। यह जिस तरह मेरी है, उसी तरह दूसरों की भी है। इसलिए अब आपकी जहां इच्छा हो रहिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, किस बुद्धि का आश्रय लेकर
आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते। जनक ने कहा, ब्राह्मण, इस संसार में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली सभी अवस्थाओं का एक ना एक दिन अंत हो जाता है। यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। वेद भी कहता है, यह किसकी वस्तु है, यह किसका धन है। इसलिए जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूँ, तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती, जिसे मैं अपना कह सकूँ। इसी विचार से मैंने मिथिला के राज्य से अपना ममत्व हटा लिया है। अब जिस बुद्धि का आश्रय लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ, उसको सुनो। मैं अपनी नासिका में पहुँची हुई सुगंध को भी अपने सुख के लिए नहीं ग्रहण करना चाहता। इसलिए मैंने पृथ्वी को जीत लिया है और वह सदा मेरे वश में रहती है। मुख में पड़े हुए रसों का भी मैं अपनी तृप्ति के लिए आस्वादन नहीं करना चाहता। इसलिए जल तत्व पर भी मैं विजय पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अधीन रहता है। इसी प्रकार नेत्र के विषय भूत रूप और ज्योति का, त्वक इंद्रिय को प्राप्त हुए स्पर्श का, श्रवण गोचर शब्दों का और मन में आए हुए मंतव्य विषयों का भी मैं अपने सुख के लिए अनुभव करना नहीं चाहता। इसलिए मैंने तेज, वायु, आकाश और मन को भी जीत लिया है तथा वे सभी सदा मेरे वश में रहते हैं। जनक की ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण ठहाका मारकर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आया हूँ। अब मुझे निश्चय हो गया कि संसार में सत्व गुण रूप नेमी से घिरे हुए और कभी पीछे की ओर ना लौटने वाले ब्रह्म प्राप्ति रूप दुर्निवार चक्र का संचालन करने वाले एकमात्र आप ही हैं।